हेलो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे बनाएंगे नमकीन साबूदाने की रेसिपी। इसके लिए हमने लिए हैं एक छोटे कटे हुए आलू और ये हैं साबूदाने जो हमने एक रात पहले इसको भिगो दिए थे। मोटे वाले साबूदाने मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। एक टमाटर लिया है छोटा सा, आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। और ये मैंने यहाँ पे लिए हैं रोस्टेड मूंगफली, जिसे मैंने पहले रोस्ट कर लिया है। और ये है यहाँ पे ड्राई मूंगफली, जिसे मैं अभी आगे डालूंगी, इसे सिर्फ निकाल के रख लिया है। और ये है सूखी लाल मिर्च जो हमें थोड़ी सी मात्रा में लेनी है, चाहे तो आप चिली जो हरी मिर्च होती है वह भी ले सकते हैं, ग्रीन चिली। और ये मैंने लिए है थोड़े से घी, अगर आपको घी ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा ले सकते हैं। ओवरऑल ये है हमारे सारे इन्ग्रीडियंट्स जिससे हम बनाएंगे आज की रेसिपी। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले कढ़ाई चढ़ा दिया है, और जैसे ही जब कढ़ाई गर्म हो जाएगा तो हम मिला देंगे घी। और घी मिलाने के बाद जो हमने ड्राई मूंगफली रखे थे उसको मैं यहाँ पे कढ़ाई में डाल दे रही हूँ, डाल दिया है। और अब हम इसको हल्के हाथों से रोस्ट करेंगे। और दोस्तों, ये देखिए मूंगफली हमारी बिल्कुल भून के रेडी है, इसे हम बाद में मिलाएंगे। और ये जो बची हुई घी थी इसमें मैंने मिर्च मिला दिए हैं, आलू कटे हुए थे वो मिला दिए हैं। जैसे ही हमारा आलू सुस्त होगा तो हम इसमें थोड़ा सा जो हमने कटे हुए जो टमाटर लिए हैं वो मिला देंगे। ये देखिए मैंने टमाटर यहाँ पे मिला दिया है। मैं इसमें दोस्तों सिर्फ नमक यूज़ करूँगी, आप चाहें तो अपने स्वाद के अनुसार कोई भी मसाला यूज़ कर सकते हैं। और मैं बस देखिए जैसे ही ये थोड़े से भून के रेडी हो जाएंगे तो मैं इसमें थोड़ा सा नमक मिला दूंगी, आप चाहें तो जीरा पाउडर मिला सकते हैं। ये देखिए थोड़ा सा मैंने धनिया ले लिया है, टेस्ट थोड़ा अच्छा आ जाएगा, दिखने में भी अच्छा लगेगा, तो ये मैंने धनिया ले लिया है। और अब इसके बाद ये देखिए दोस्तों, ये वो मूँगफली है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाए थे रोस्टेड, जिसे मैं अच्छे से क्रश कर लूँगी बेलन से, चाहे तो आप मिक्सर से भी कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसे ही हो जाएगा, मुझे ऐसे ही पसंद है, तो मैंने निकाल के रख लिया है। और अब हम अपने आलू टमाटर में मिला देंगे ये साबुदाने, और अब साबुदाने हमने इसमें मिला दिए हैं। अब हम इसको थोड़ी देर तक मिलाएंगे, जैसे ही ये मिल जाएंगे फिर हम इसमें सिर्फ नमक ऐड करेंगे। मैं सिर्फ यहाँ पर नमक यूज़ करने वाली हूँ, आप चाहें तो कोई भी मसाले यूज़ कर सकते हैं, आप हल्दी भी यूज़ कर सकते हैं कलर के लिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी मुझे, क्योंकि मुझे ऐसे ही पसंद है। देखिए कितने हरे भरे हमारे साबुदाने लग रहे हैं, रेड रेड हैं, बीच बीच में ग्रीन ग्रीन है। और ये देखिए मैंने थोड़े से मिला दिए हैं यहाँ पे नमक, पहले भी नमक ऐड किया था तो उस हिसाब से हम थोड़ा सा ही मिलाएंगे, और मुझे हल्का ही नमक पसंद है तो मैं हल्का ही बना रही हूँ जानबूझ के, तो मैंने थोड़े से नमक डाले। ऑलमोस्ट हमारे साबुदाने देखिए बनके बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, जो हमने रोस्ट किए हुए मूँगफली लिए थे क्रश किए हुए उसको देखिए मैंने मिला लिए हैं, जो मैंने भून के मूँगफली रखे थे उसको देखिए यहाँ पर मैंने मिला लिए हैं। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे। और देखिए दोस्तों, देखने में ये कितना प्यारा लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है, आप जब खाएंगे ना तो आपके मुँह में जो ये क्रश किया हुआ जो मूँगफली आएगा ना आपके दांतों के बीच में, इतना टेस्टी लगेगा आपको खाने में, और मुझे ये बेहद पसंद है। बन के रेडी है हमारा ये साबुदाने दोस्तों, कैसा लगा आपको बताइएगा कमेंट करके मुझे। और ये देखिए बिल्कुल हरे भरे साबुदाने हमारे, एकदम पौष्टिक, एकदम हेल्दी। कभी भी नाश्ता करने का, कुछ खाने का मन करे, नाश्ते में कुछ मन करे बनाने का, तो झटपट इसको बनाइए और बस 10 मिनट के अंदर ये रेसिपी आपकी बिल्कुल बन के रेडी है। फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की रेसिपी, साबुदाने की रेसिपी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करते वक्त बगल में एक बेल आइकन होता है, उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको मेरी सारे वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। आपको पता चल जाएगा कि श्रुति ने अभी वीडियो अपलोड किया है, ताकि आप उसको जल्दी से देख पाएंगे। तो दोस्तों, ये ज़रूर कर दीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग के साथ या नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।